एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन रियल होम मेकिंग चैनल वंस अगेन। तो आज हम लोग आए हैं मेरी नानी के घर। जैसा कि मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था, आज 8th of September है। तो आज की भागवत का जो ड्रेस कोड था वो येलो है और मैंने ये पहना है शरारा सूट। अभी मैं आपको फुल व्यू दूंगी, बस आप अभी मेरा हल्का फुल्का मेकअप देख लीजिए जो मैंने किया है। और अभी भाभी ने भी शरारा सूट पहना है, तो भाभी और मैं आपको फुल व्यू अपना देंगे। तो ये देख लीजिए, ये मैंने ज्वेलरी पहनी है, हाथ में एक हाथ में घड़ी पहनी है और दूसरे हाथ का भी अभी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए। और ये मैंने ब्रेसलेट पहना है एक हाथ में। और अभी फुल ड्रेस का व्यू मैं अभी आपको दिखाती हूँ। और गोविंद को मैंने जो रेड टी शर्ट और पैंट्स पहना रखी थी वही पहनी हुई है उसने। अभी हम लोग जाके दोनों बच्चों को कृष्णा बनाएंगे। तो पहले भागवत से पहले यहाँ पे लंच होता है, तो बस हमें जल्दी जल्दी लंच करने आना था। तो अभी हम लोग लंच करेंगे और उसके बाद फिर 3 बजे से भागवत स्टार्ट हो जाती है, तब हम अपने बच्चों को जो है कृष्णा बनाएंगे। और आज मेरे सास ससुर भी आए हुए हैं, मैं उनसे मिल ली, मुझे बहुत अच्छा लगा। 2.5 साल बाद मैंने मम्मी पापा को देखा तो मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मैं अपनी एक्साइटमेंट बता भी नहीं सकती। तो वो लोग ऑलरेडी वेन्यू पे आ चुके हैं, तो मैं जल्दी जल्दी बस किसी तरह तैयार होके आई हूँ, जिससे कि मैं मैक्सिमम टाइम उन लोगों के साथ आज बिता पाऊँ। क्योंकि फिर तो मैं लखनऊ जाऊँगी 11th को समापन के बाद। तो चलिए आज का देखते हैं कैसा रहता है भागवत का दिन। आज कृष्ण जन्म है तो मैं आप लोगों को भी दिखाती रहूँगी कि कैसा हुआ ये सेलिब्रेशन। तो ये देखिए, ये है वेन्यू जहाँ पे भागवत हो रही है। ये नया मॉल खुला है लखीमपुर खीरी में, इसमें बहुत ही बड़ा एक हॉल है बेसमेंट में जहाँ पे भागवत कथा हो रही है। ऊपर रेस्टोरेंट है और मूवी हॉल भी है। एक बार भी किसी भी प्रसंग से आप भगवत चरण में समर्पित हो जाओ अथवा। और ये देखिए, हमारे नन्ना कृष्णा भी तैयार हो गए हैं। मैंने इसे थोड़ा सा जल्दी ही तैयार कर दिया है क्योंकि मम्मी पापा भी आए हुए हैं, उन्हें जल्दी ही निकलना है। तो सोचा इसको तैयार कर देती हूँ जिससे कि वो भी देख लें कि गोविंद कृष्णा के रूप में कैसा लगता है। और वहाँ पे ये प्यारी सी बेटी मिल गई थी जिसके साथ गोविंद ने बहुत सारा खेला। और हाँ, मैं अपने भतीजे का लुक इस क्लिप में नहीं शेयर कर पाई क्योंकि वो भैया के साथ बाहर गया हुआ था, तो उसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। फ्रेंड्स, बहुत देर हम लोगों ने कथा वथा सुन ली, अभी भगवान जन्म में थोड़ा सा टाइम है। आज कथा बहुत लंबी चल रही थी तो हम लोग अभी यहाँ पे ही इसी मॉल में ही एक रेस्टोरेंट है, वहाँ आए हैं खाना खाने। और मैं आपको दिखाना चाहती थी, इनको तो आप जानते ही हो, ये है प्यारी सी मेरी भाभी। और ये देखो, ये है मेरी मौसी की बेटी, कितनी प्रिटी है ना, इसकी अभी शादी हुई है दिसंबर में, है ना। और अपना नाम बता दो। मेरा नाम आयुषी है एंड मैं दीदी के सारे वीडियोज़ फॉलो करती हूँ अब शादी के बाद। क्यों फॉलो करती है? यार काम आते हैं। क्या काम आते हैं? चूल्हा चौका करने में, होम मेकिंग में। या एग्जैक्टली, थैंक यू। लग रही है ना सुंदर, बताना मुझे कैसी लग रही है। हेलो। और वहाँ पे हमारे दो कृष्णा जो कि सुदामा बन चुके हैं अब, उन्होंने अपने सब रूप का बिल्कुल सब खराब कर लिया है, तो वो लोग वहाँ पे खेल रहे हैं। और हाँ, मैं आज आपको अपने इन-लॉज से नहीं मिलवा पाई क्योंकि वो लोग ना थोड़ा सा जल्दी ही निकल गए थे क्योंकि उन्हें वापस लखनऊ जाना था और लखनऊ का यहाँ से जो ट्रैवल टाइम है वो 2.5 घंटे का है। और उस टाइम पे जब वो आए थे ना, तो बस मैं इतना ज़्यादा मम्मी और पापा से मिलने में लग गई ना कि मैं भूल ही गई कि आपसे मिलवाऊँ। बट कोई बात नहीं, 3-4 दिन बाद मैं जाने ही वाली हूँ लखनऊ, तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को मिलवाऊंगी। और हाँ, मुझे अभी आप लोगों को अपना पूरा लुक दिखाना है, तो अभी हम तीनों लोग थोड़ी सी मॉडलिंग करेंगे और भैया हमारी शूटिंग करेंगे, तब आपको दिखाएंगे हम। तो ये देखिए, ये है हमारा कंप्लीट ड्रेस लुक। ये क्लिप हमने तब ली थी जब कथा बिल्कुल समापन हो चुकी थी और महाराज अपने वापस घर जा चुके थे। तो उस टाइम पे मैंने अपनी कज़न बहन को बहुत ढूंढा कि वो भी मुझे मिल जाए, तो हम तीनों इस तरीके से अपना ड्रेस लुक आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बट वो मुझे नहीं दिखी, तो सोचा चलो भाभी का ड्रेस लुक आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ अपने साथ। और हम दोनों ने ही येलो शरारा पहना है। और वहाँ पे फिर मेरी मम्मी की सबसे छोटी बहन, मेरी सबसे छोटी मौसी भी आ गई थी, जिनका छोटा सा इंट्रोडक्शन ब्लॉग आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। तो उनका लुक भी मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और ये देखिए, ये क्लिप है भगवान जन्म की, जहाँ वहाँ पे जो सबसे छोटा बच्चा था उसका जन्म करवाया गया था और वही अभी गुरु जी की गोद में बैठा है। और आज के दिन बहुत सारी मिठाइयाँ, बहुत सारे चॉकलेट, टॉफीज और फ्रूट्स बटे थे प्रसाद में, और हमने बहुत इंजॉय किया, खूब सारा डांस किया। वो भी क्लिप्स अभी मैं आपके साथ आगे शेयर करने वाली हूँ।
तो देखिए हमने ये छोटा सा केक भी बनवाया था भगवान जी के जन्म के लिए। ये बर्फी का केक है और सारे छोटे बच्चों ने इस केक को काटा था। उसके बाद भगवान जी को भोग लगाया गया और फिर ये केक बटा था प्रसाद में। बहुत ही टेस्टी बना था। तो इसी तरीके से कुछ कृष्ण जन्म का दिन रहा था। मैंने कोशिश की है कि छोटी छोटी क्लिप्स के थ्रू आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि किस तरीके से सेलिब्रेट किया गया भगवान का जन्म। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैं अभी अपनी नानी के घर पे हूँ या ससुराल पहुँच चुकी हूँ, क्योंकि अभी मैं अपने नानी के घर के व्लॉग्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैंने सोचा एक बार कैमरा पे आके आप लोगों से इस तरीके से बैठ के शांति से 5 मिनट बात कर लेती हूँ। तो मैं 11th को अपनी नानी के घर से अपने ससुराल आ गई थी। तो अभी मैं डिफरेंट बैकग्राउंड में हूँ, जैसा कि आप देख ही सकते हो। मैं अपने ससुराल में हूँ, लखनऊ में हूँ, और यहाँ पे थोड़ी सी इंटरनेट कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है। मेरे फ़ोन में तो बिल्कुल सिग्नल ही नहीं आ रहे हैं और यहाँ पे घर पे वाईफाई नहीं है, जिसकी वजह से वीडियोस अपलोड करने में थोड़ा सा डिले हो रहा है। एक दिन मैं एडिट करती हूँ, नेक्स्ट डे बहुत सारी मेहनत करके किसी डिफरेंट लोकेशन पे ट्राई कर करके मैं वीडियोस अपलोड कर रही हूँ आप लोगों के लिए। और इतना ज़्यादा इंटरनेट ख़राब है मेरे फ़ोन का तो कि मैं इंस्टाग्राम पे भी आप लोगों के साथ कुछ भी शेयर नहीं कर पा रही। आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। तो वीडियोस थोड़ा सा डिले हो रही हैं, बट यस, ये नानी की जो घर की वीडियोस हैं ख़त्म होने के बाद मैं आप लोगों को अपने ससुराल के ब्लॉग्स दिखाऊंगी। और बहुत ही जल्दी मैंने सोचा है कि पूरे घर का हाउस टूर आप लोगों को दिखाऊंगी और हाउस टूर कराऊंगी, अपनी मदर इन लॉ से, फादर इन लॉ से आप लोगों को मिलवाऊंगी। तो बहुत मज़ा आ रहा है मुझे अपने ससुराल में। आप लोग पूछ रहे थे कि कैसा जा रहा है इंडिया का ट्रिप, तो डेफिनेटली इतने सालों बाद आते हो तो बहुत ही अच्छा जाता है, मज़ा आ रहा है, खूब सारा खाना मिल रहा है। और हाँ, किसी ने मुझसे पूछा था कि मैं अंशुल को मिस कर रही हूँ या नहीं कर रही, तो इसका तो अंदाज़ा आप लोग भी लगा सकते हो। जब आप मायके जाते हो तो क्या अपने हस्बैंड को भूल जाते हो? ऐसा नहीं होता ना। तो डेफिनेटली अंशुल को मैं बहुत मिस करती हूँ, और सबसे ज़्यादा मैं तब मिस करती हूँ जब मैं यमी यमी खाना खाती हूँ। स्पेशली जो फेवरेट उनका खाना है, जैसे कि मोतीचूर के लड्डू उन्हें बहुत पसंद है, गुलाब जामुन उन्हें बहुत पसंद है। तो जब मैंने गुलाब जामुन खाए तो मुझे उनकी बहुत ज़्यादा याद आई। बट इट्स ओके, दिन में से 2-3 बार उनसे बात हो जाती है, सुबह बात हो जाती है, शाम को बात हो जाती है, एंड एट लास्ट मुझे जाना तो वहीं है, वही मेरा घर है, उनके पास ही मेरा घर है। तो अब तो आधी छुट्टियां हो चुकी हैं ख़त्म, ऑलमोस्ट 1 महीना हो चुका है। मैं 19th को निकली थी अपने घर से और आज है 15th जब मैं ये वीडियो फिल्म कर रही हूँ। तो ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया है और एग्जैक्ट 1 महीना बचा है मेरी छुट्टियों का, क्योंकि 15th को ही मेरी वापसी की फ़्लाइट है। तो मैं 15th को निकल जाऊँगी वापसी शिकागो के लिए। तो जितनी भी मेमोरीज़ हैं बस मैं कोशिश कर रही हूँ अपने व्लॉग्स के थ्रू अपने माइंड में, अपने हार्ट में जो है समेट लूँ, क्योंकि ये व्लॉग्स अभी मैं भी नहीं देख पा रही हूँ। ये व्लॉग्स जब मैं वहाँ जाऊँगी, थोड़ी सी मुझे फुर्सत मिलेगी, तो मैं बैठ के इत्मीनान से सारे व्लॉग्स देखूँगी और
सबको बहुत ज़्यादा मिस करूँगी। तो मैं बस कोशिश कर रही हूँ कि जो मुझे मिल रहा है, जो भी मेरे साथ मोमेंट्स अभी चल रहे हैं, वो मैं व्लॉग्स के थ्रू आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ और अपने लिए एक लॉग हिस्ट्री बना लूँ, जबकि मैं बाद में जब देखूँगी तो मुझे सबकी बहुत ज़्यादा याद आएगी और ये सब चीज़ें मैं फिर से रिलिव कर पाऊँ। तो यही चल रहा है और डेफिनेटली अब बहुत ही जल्दी आपको ससुराल ब्लॉग्स देखने के लिए मिलेंगे। आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड। और ये देख लीजिए, ये मैंने ब्लू कलर की कुर्ती पहनी है, 3/4 स्लीव वाली, ये फ्लोर लेंथ कुर्ती है। ये मेरी मौसी ने मुझे गिफ्ट की है। एक्चुअली मुझे बहुत सारे गिफ्ट मिले हैं, बहुत सारी कुर्ती हैं, ज्वेलरी है, बहुत कुछ है जो कि मैं आप लोगों के साथ एक साथ आराम से शेयर करूँगी। एक बार मैं जब दिल्ली वापस पहुंचूंगी तो सारा सामान मेरे पास इकट्ठा हो जाएगा जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना है। तो मैं फिर आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या मुझे गिफ्ट में मिला, क्या क्या मैंने बाय किया इंडिया से। और हाँ, मैं बहुत ही जल्दी आपको अपना बेडरूम दिखाने वाली हूँ, अपनी अलमीरा दिखाऊंगी, अपनी शादी का जो भी मेरा थोड़ा बहुत सामान यहाँ पर है वो सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो स्टे ट्यून्ड और प्लीज़ व्लॉग्स को इसी तरीके से लाइक करते रहिए, शेयर करिए और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं ट्राई कर रही हूँ कि डेली अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ। सो मेरी मेहनत को प्लीज़ अगर आपको पसंद आ रही है तो सराहिएगा ज़रूर और कमेंट सेक्शन ओपन है आप लोगों के साथ, कमेंट्स में अपनी राय मेरे साथ साझा कीजिएगा। और फिर से मिलेंगे एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए आप ढेर सारा अपना ख्याल रखिए, इसी तरीके से ब्लॉग्स को पसंद करते रहिए।